सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस MIUI 12 स्टेबल के बाद अभी बारी आती है MIUI 12.5 की। कल रात को ही गाइस MIUI के जो ऑफिशियल एडमिन है उन्होंने MIUI 12.5 का चाइना स्टेबल अपडेट प्लान है उसको शेयर कर दिया था। तो आज की वीडियो में गाइस हम उसी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि MIUI 12.5 का अपडेट आपको सबसे पहले कौन से फ़ोन के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इसके कुछ स्क्रीनशॉट है वो आ चुके हैं, कुछ यूज़र ने इसको पहले से ही अपडेट कर लिया था। तो गाइस 12.5.1 का यहाँ पर अपडेट है उसको रोल्ड आउट किया जा रहा है और ऑलमोस्ट सारे चेंजेस और फीचर अभी तक जो MIUI ने रिलीज़ किए हैं वो आपको 12.5.1 के अंदर ही शायद देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो आगे फीचर आते हैं वो आपको शायद MIUI 13 के बीटा अपडेट में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर डिवाइस लिस्ट की। तो गाइस अगर आप चाहे तो MIUI का जो चाइना कम्युनिटी साइट है वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, पर यहाँ पर सब कुछ आपको चाइनीज लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। मैंने इवन इसको ट्रांसलेट भी किया पर ट्रांसलेट पता नहीं ये हो नहीं रहा। तो मेरे पास यहाँ पर जो इंग्लिश वाला पोस्ट अवेलेबल है उससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5 का चाइना स्टेबल रिलीज प्लान है उसको यहाँ पर लीक कर दिया गया है। तो फर्स्ट बैच के अंदर आपको फुल रिलीज देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही साथ में ये सारे डिवाइस के अंदर आपको 12.5 का अपडेट है वो फुल रिलीज में देखने को मिल जाएगा। सभी यूज़र को ये 30 अप्रैल 2021 तक ये सारे डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें सेकंड बैच की, तो गाइस सेकंड बैच जो अगले महीने से स्टार्ट होगा 2021 के, वो आपको ये सभी डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है फुल रिलीज वगैरह, तो शायद हो सकता है कि धीरे धीरे सभी यूज़र को ये मिलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर बात करें इंडियन डिवाइस की, तो आपको यहाँ पर Redmi K20 Pro उसके बाद Redmi Note 9 Pro जैसे डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। तो अभी कैसे देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक हमें ये इंडिया और ग्लोबल में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए वैसे ये सबसे पहले तो चाइना के अंदर रिलीज होता होगा, उसके बाद जैसे ही स्टेबल वगैरह हो जाता है और कंफर्म हो जाता है उनके डेवलपर के द्वारा, उसके बाद ही इसको ग्लोबल एंड इंडियन फ़ोन के अंदर रोल्ड आउट किया जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास उसका कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डाउनलोड लिंक वगैरह कुछ भी आ जाएगा तो मैं आपके साथ उसको भी शेयर कर दूंगा। वैसे गाइस अगर आपको MIUI 12 या फिर MIUI 12.5 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डाउनलोड लिंक वगैरह चाहिए तो आप MIUI 12 डाउनलोड को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे और भी नए नए वीडियोज़ के लिए और न्यूज़ के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।